हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारत फ्यूचर। एक बार ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग की इसकी नेगेटिव लिस्टिंग हुई है। इसकी जीएमपी आज 9:34 की जीएमपी अपडेट है। इसकी जीएमपी ₹5 चढ़ रही थी, जो कि 2.17% प्रीमियम के साथ 235 पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन इसकी लिस्टिंग 221 पर हुई है, यानी कि पर लॉट ये ₹9 का लॉस दिया, पर शेयर ₹9 का लॉस दिया। और परसेंटेज वाइज अगर हम लोग काउंट करें तो 3.90%, यानी कि लगभग 4% का डिस्काउंट करके इसकी लिस्टिंग में हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर डिस्काउंट करके लिस्टिंग होती है तो 5% से ज्यादा इसके प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। 5% के डिस्काउंट के साथ इसकी में भी लिस्टिंग हो सकती है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो 3.90% प्रीमियम डिस्काउंट करके इसकी लिस्टिंग हुई, यानी कि लगभग 4% का डिस्काउंट करके इसकी लिस्टिंग हुई है। एंड फिर इसके बाद इसमें धड़ाधड़ सेलिंग भी देखने के लिए मिला और अभी 107 पर क्लोज किया है। ये लगभग 206 का भी लो लगा है, 207.60 पे क्लोज किया है, तो लगभग लगभग 10 से 10.40% का लॉस दे चुका है अपने निवेशकों का। अभी इसे जो होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे इसका लिस्टिंग हुआ लोगों ने यहाँ से तेजी से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया, इसलिए इसमें धड़ाधड़ सेलिंग देखने के लिए मिला। और अभी जो कटअप प्राइस इसकी 30 से 33 से हम लोग इसको मेजर करें तो 206 पर आ चुका है, तो लगभग लगभग 10.40% प्रीमियम का इसमें लॉस हो चुका है। तो अभी जो लोग इसे होल्ड कर रहे हैं उन्हें कहाँ पे आउट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर 10% का भी लॉस हो चुका है। इसका कटअप प्राइस 230 पर है, ये 206 का भी लो लगा चुका है, तो अभी 10% का डिस्काउंट हो चुका है। 230 से हम लोग मेजर करें तो 10% का डिस्काउंट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर 5% का और लॉस ले सकते हैं। जिस प्राइस पर चल रही है उस प्राइस से हम लोग अभी 5% का यहाँ पर नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 207 पे चल रही है 6 पर, तो हम लोग यहाँ पर 5% और नीचे डाउन करें तो यहाँ पर 10 पॉइंट और डाउन होगा, तो इसकी जो स्टॉप लॉस निकल के आ रही है 197 पर स्टॉप लॉस निकल के आ रही है। हम लोग 197 से 195 की रेंज में इसकी स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर इसका लेवल ब्रेक डाउन हो जाती तो यहाँ से फिर फुल क्वांटिटी आउट कर लेना चाहिए, नहीं पता कहाँ पे इसका सपोर्ट होगा। 200 पॉइंट एक साइकोलॉजी लेवल है, मे भी यहाँ से छाल आती है तो बेहतर है, अगर नहीं आती है तो फिर 195 197 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ से आउट हो जाने में ही भलाई है, क्योंकि इसका कहाँ तक जाएगा डाउन करेगा ये किसी को नहीं पता है। बिजनेस मॉडल तो अच्छा है लोगों ने, लेकिन इस आईपीओ में लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसमें डेप्ट भी है, तो डेप्ट की वजह से लोगों ने इस आईपीओ में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सब्सक्रिप्शन भी कुछ खास नहीं हुआ था, 16-17 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। फिर निगेटिव लिस्टिंग की वजह से लोगों ने यहाँ से पैसा आउट करना स्टार्ट कर चुका है, तो अभी और ज्यादा इसमें अगर 195 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर और ज्यादा होल्ड करना बेवकूफी होगी, बेहतर है यहाँ से आउट हो जाए। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।